प्राचीन भारत में मगध की एक प्रमुख भूमिका है। इसी क्षेत्र में प्राचीन भारत के पहले साम्राज्य का उदय होता है। तो यदि हमें जानना है कि कैसे मगध एक साम्राज्य के रूप में उभर कर आया, तो हमें मगध के उस राजा का इतिहास जानना होगा जिसके कारण मगध एक साम्राज्य बन सका। मैं इस समय बात कर रहा हूँ बिंबिसार की, और इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे बिंबिसार के प्रयत्नों द्वारा मगध का उदय संभव हो पाया। तो यदि हमें बिंबिसार को जानना है और बिंबिसार के इतिहास को जानना है, तो हमें बिंबिसार के काल को जानना होगा, और बिंबिसार का काल आज से लगभग 2500 साल पहले का था। इस समय हम देखते हैं कि उत्तर भारत में कुछ राज्य उभर कर आ चुके हैं। इन राज्यों को प्राचीन ग्रंथों में महाजनपद कहा गया है, और हमें यह बताया गया है कि इन महाजनपदों की संख्या कुल 16 थी। बिंबिसार का समय आते आते हम यह देखते हैं कि इन 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद काफी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बन चुके हैं। यह 4 महाजनपद थे कोसल, वत्स, अवंती और मगध। तो जब बिंबिसार मगध के राजा बनते हैं, और यदि हम एक बौद्ध ग्रंथ महावंश की माने, तो बिंबिसार की आयु केवल 15 वर्ष की थी जब वह मगध के राजा बनते हैं। और इस समय वह पाते हैं कि मगध 4 प्रमुख महाजनपदों में से एक है, लेकिन मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद नहीं है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद है कोसल। कोसल जो कि आज का अवध क्षेत्र है, इस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद इसलिए है क्योंकि उसने काशी महाजनपद पर अपना आधिपत्य जमा रखा है, और साथ ही में कोसल के उत्तर में जो छोटे छोटे गणराज्य हैं उस पर भी कोसल का अधिकार है। इन छोटे छोटे गणराज्यों में गौतम बुद्ध का गणराज्य शाक्य भी सम्मिलित है। तो हम यह पाते हैं कि कोसल के इस विस्तार के कारण अब कोसल मगध का पश्चिमी पड़ोसी बन चुका है, और बिंबिसार के लिए यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि एक शक्तिशाली राज्य ठीक उनकी पश्चिमी सीमा पर स्थित है। अब बात करें मगध की कठिनाइयों की, तो उसका अंत केवल यहाँ नहीं होता है। हम पाते हैं कि मगध के उत्तर में एक और शक्तिशाली राज्य है जिसका नाम है वृज्जी। वृज्जी इस समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली गणराज्य है, और यह मगध की उत्तरी सीमा पर स्थित है। मगध की पूर्वी सीमा पर भी एक राज्य है जिसका नाम है अंग, और इस राज्य से मगध की शत्रुता है। एक बौद्ध ग्रंथ की माने तो हमें यह बताया गया है कि अंग के राजा ब्रह्मदत्त ने बिंबिसार के पिता को हराया था। तो बिंबिसार और अंग की शत्रुता काफी पुरानी है। तो यह सब चुनौतियां बिंबिसार के सामने है जब वह मगध का शासन संभालते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मगध एक निर्बल राज्य है। मगध के पास काफी सारे संसाधन हैं। पहला तो जिस क्षेत्र में मगध स्थित है यानी दक्षिण बिहार का क्षेत्र, उसमें लौह अयस्क यानी आयरन ओर की भरमार है। इस आयरन ओर का प्रयोग न केवल शस्त्र बनाने में होता है, बल्कि उसका प्रयोग काफी अन्य वस्तुओं में भी होता है। तो पहला तो यह संसाधन है। दूसरा, हम पाते हैं कि मगध की जो दक्षिण सीमा है वह छोटा नागपुर पठार के जंगलों को छूती है। इन जंगलों से न केवल कई सारे संसाधन मगध को प्राप्त होते हैं, बल्कि हाथी भी प्राप्त होते हैं। इन हाथियों का प्रयोग सैन्य बल के रूप में होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय हाथियों का प्रयोग युद्ध में काफी होता था। तो यह हाथी जो कि छोटा नागपुर पठार के जंगलों से मगध को प्राप्त होते हैं, वह मगध के सैन्य बल को बढ़ाते हैं। और रही बात मगध की राजधानी जो इस समय राजगृह है, वह भी हम देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से काफी सुरक्षित है। यह राजधानी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है, जिसके कारण राजगृह बहुत ही सुरक्षित नगर है। साथ ही में हम यह देखते हैं कि मगध आर्थिक रूप से भी काफी समृद्ध था। एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध में 80,000 ग्रामक थे।
ग्रामक इस समय ग्राम प्रधान को कहते थे। तो 80,000 ग्रामक होने का अर्थ यह हुआ कि मगध में 80,000 गांव थे। एकदम सटीक संख्या 80,000 गांव की तो नहीं रही होगी, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि मगध में बहुत से गांव थे। बहुत से गांव होने का मतलब इन गांवों से जो कर आता था वह भी काफी अधिक था। तो इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि मगध की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। तो इन सब संसाधनों के होने के कारण मगध के पास क्षमता है महान राज्य बनने की, लेकिन दूसरी ओर मगध के पास काफी सारी चुनौतियां भी हैं। तो जब बिंबिसार मगध के राजा बनते हैं तो वह यह पाते हैं कि उनके पास दो विकल्प हैं। एक ओर बिंबिसार सैन्य बल का प्रयोग करके मगध को एक महान राज्य बना सकते हैं, और दूसरी ओर बिंबिसार कूटनीति का प्रयोग करके मगध को महान राज्य बना सकते हैं। बिंबिसार इस समय समझदारी का निर्णय लेते हैं और वह सैन्य बल का प्रयोग नहीं करते हैं। और यदि हम देखें, बिंबिसार यदि मान लीजिए सैन्य बल का प्रयोग करते तो वह यह पाते कि उनके सामने तीन शक्तिशाली राज्य हैं। पश्चिम में है कोसल, जो इस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। उत्तर में है व्रिज्जी, जो इस समय का सबसे प्रमुख गणराज्य है, और पूर्व में है अंग, जिससे मगध की पुरानी शत्रुता है। और यदि हम मान लें कि मगध किसी एक राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर भी लेता है तो बाकी दो राज्य हाथ मिलाएंगे और मगध पर आक्रमण कर देंगे, और दो राज्य की सैन्य शक्ति को हराना मगध के लिए असंभव होगा। तो बिंबिसार का यह निर्णय कि सैन्य बल का प्रयोग ना हो दर्शाता है कि बिंबिसार एक दूरदर्शी राजा थे। अब बात आती है कूटनीति की, तो हम यह देखते हैं कि बिंबिसार वैवाहिक गठबंधनों का सहारा लेते हैं, और हमें एक बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम महावग्ग है उससे यह पता चलता है कि बिंबिसार की 500 रानियां थी। अब 500 एकदम सटीक संख्या तो नहीं रही होगी, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि बिंबिसार ने बहुत सारे विवाह करे थे, और इन बहुत सारे विवाह में दो विवाह प्रमुख थे। पहला विवाह तो बिंबिसार ने जो कोसल के राजा थे जिनका नाम प्रसन्नजीत था उनकी बहन से करा, और दूसरा जो व्रिज्जी गणराज्य था उसके प्रमुख की बेटी से करा। तो यह दो विवाह काफी प्रमुख थे। अब यदि हम बिंबिसार के पहले प्रमुख विवाह की बात करें तो एक प्रश्न उठता है कि क्यों कोसल जैसे महान महाजनपद ने मगध से वैवाहिक गठबंधन करा। तो इसका पहला उत्तर तो यह हुआ कि मगध, जैसा हमने देखा, आर्थिक रूप से काफी शक्तिशाली है। इसका दूसरा उत्तर है कि कोसल को यह भय था कि उसके अधीन जो क्षेत्र है जैसे कि काशी और छोटे छोटे गणराज्य, उनमें जो कोसल के शासन के विरोध में गतिविधियां हो रही हैं उसका समर्थन मगध करता है। तो इस मगध के समर्थन का अंत कूटनीतिक तौर पर मगध से अच्छे संबंध बनाकर हो सकता है। तो यही कारण था कि कोसल के राजा प्रसन्नजीत ने मगध से वैवाहिक गठबंधन करा, और मगध के लिए भी सुरक्षा दृष्टिकोण से यह काफी अच्छा था, क्योंकि अब जो पश्चिमी सीमा थी मगध की वह सुरक्षित हो गई थी। अब बात आती है दूसरे प्रमुख विवाह की, तो हम पाते हैं कि इसकी कहानी थोड़ी अलग थी। जब बिंबिसार मगध के राजा बने तो जो उनके उत्तरी पड़ोसी था व्रिज्जी, उसके प्रमुख ने यह सोचा कि यह राजा नया है और यह बहुत ही अनुकूल समय है मगध पर आक्रमण करने का। लेकिन जैसा व्रिज्जी के प्रमुख ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। जब व्रिज्जी ने मगध पर आक्रमण करा तो बिंबिसार ने ना ही केवल इस आक्रमण को रोका बल्कि व्रिज्जी की सेनाओं पर विजय प्राप्त करी। अब यदि बिंबिसार चाहते तो वह वैशाली पर आक्रमण करते और अपना अधिकार जमा सकते थे, लेकिन बिंबिसार को पता था कि मगध का जो अभी सैन्य बल है वह इतना नहीं है कि व्रिज्जियों पर आक्रमण कर पाए और उनके क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा सके। इसीलिए उन्होंने व्रिज्जियों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना ही उचित समझा, और जो व्रिज्जी का प्रमुख था उसके लिए भी बिंबिसार का यह निर्णय काफी अच्छा था। और इन दो राज्यों के बीच मित्रता का संकेत के रूप में एक वैवाहिक गठबंधन होता है जिसमें बिंबिसार विवाह करते हैं व्रिज्जी के प्रमुख की बेटी से। अब इन दो गठबंधनों के कारण हम देखते हैं कि जो मगध की उत्तरी सीमा है और पश्चिमी सीमा है वह सुरक्षित हो गई है। अब रही बात जो पूर्वी सीमा है,
उस पे जैसा कि हम जानते हैं मगध और अंग की काफी पुरानी शत्रुता थी। हमें पता है कि अंग के राजा ब्रह्मदत्त ने बिंबिसार के पिता को युद्ध में पराजित करा था और अब बिंबिसार का समय आता है उस पराजय का बदला लेने के लिए। अब जब बिंबिसार अंग पर चढ़ाई करते हैं तो हम यह पाते हैं कि बिंबिसार को ज्यादा समय नहीं लगा अंग पर अपना अधिकार जमाने के लिए। और जब अंग पर मगध का शासन हो जाता है तो अंग का राज्यपाल बिंबिसार अपने पुत्र अजात शत्रु को चुनते हैं। अब एक ओर जब मगध अपने पूर्वी पड़ोसी पर अधिकार जमा रहा था तो बिंबिसार को यह पता था कि जो मगध का दक्षिणी पड़ोसी है यानी अवंती, उसको यह भय ना हो कि मगध उसके क्षेत्र पर भी अधिकार कर सकता है। इसी के कारण हम देखते हैं कि बिंबिसार ने अवंती के राजा से भी अच्छे संबंध रखे। और एक कहानी के अनुसार हमको यह बताया गया है कि जब अवंती के राजा प्रद्योत अस्वस्थ होते हैं तो बिंबिसार अपने चिकित्सक जीवक को अवंती भेजते हैं उनके उपचार के लिए। बिंबिसार के इन निर्णयों के कारण ही मगध आगे चलकर एक साम्राज्य बन सका। लेकिन जिस व्यक्ति ने मगध के लिए इतना सब कुछ करा उसका अंत बहुत ही दुखद था। हम पाते हैं कि बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु को सिंहासन पर आने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने मगध के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। यदि हम बौद्ध ग्रंथ की माने तो बिंबिसार की मृत्यु कारागार में भूख के कारण हुई और जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने अपनी जान स्वयं ली। सच जो भी हो, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि बिंबिसार का अंत बहुत ही दुखद था। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अजात शत्रु के काल में मगध एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरता है और आप वो वीडियो यहाँ देख सकते हैं जब वो अपलोड होगी। अगर आपको जानना है बिंबिसार के पहले के मगध के इतिहास के बारे में तो आप ये वीडियो देखिए।